नोएडा में घर के सामने खड़ी मर्सिडीज कार में एक व्यक्ति आग लगाकर फरार हो गया। यह पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसका फुटेज सामने आया है। वहीं सीसीटीवी फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि हेलमेट लगाए बाइक सवार आता है और डिग्गी से बोतल निकालता है। इसके बाद वह बोतल से भरी पेट्रोल को कार पर छिड़कता है और आग लगा देता है और वहां से फौरन फरार हो जाता है। हालांकि इससे कार को ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि आग कुछ ही देर में अपने आप बुझ गई। वहीं मर्सिडीज़ कार के मालिक आयुष चौहान ने कोतवाली सेक्टर 39 नोएडा पुलिस से शिकायत की है। सबूत के तौर पर सीसीटीवी फुटेज भी उपलब्ध कराया है। पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। वहीं बाइक सवार की पहचान हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, आईपीएन।